Very good morning, dear students. Today we will read lesson number 14. How are things measured? कि चीजों को मेजर कैसे किया जाता है, नापा कैसे जाता है. मेजरमेंट का मतलब होता है नाप तोल करना, किसी चीज को नापना या मापना. मापना भी बोलते हैं, नापना भी बोलते हैं और तोलना भी बोलते हैं. ठीक है, हाउ आर थिंग्स मेजर्ड. तो इसमें हम क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की लंबाई को कैसे नापा जाता है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम किसी चीज की क्वांटिटी मात्रा को कैसे नापा जाता है, मेजरमेंट ऑफ वेट वजन कैसे तोला जाता है, मेजरमेंट ऑफ टाइम टाइम को कैसे नापते हैं या मापते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर तापमान तापमान को कैसे नापते और तोलते हैं. तो ये हम करेंगे जब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे. ये अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स है, वर्बली मैं आपको बता देती हूँ. ये देखो, ये अनस्क्रैम्बल करना है इनको. तो ये इससे क्या बनेगा, क्लॉक, और इन लेटर्स से बनेगा थर्मोमीटर, जिससे कि टेम्परेचर को नापते हैं. जब किसी को फीवर हो जाता है तो टेम्परेचर को नापते हैं हम इससे. और स्केल, स्केल से नापते हैं लंबाई लेंथ. ठीक है, लेसन स्टडी करते हैं हम. We need to measure many things in our daily life, like length of a cloth, height, weight of objects, volume of liquid, time and temperature. We need, हमें जरूरत होती है to measure many things, बहुत सी चीजों को नापने की या उनको मापने की हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी डेली लाइफ में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें बहुत सी चीजों को नापने की जरूरत होती है, उनको मेजर करने की जरूरत होती है. तो हम इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे, मेजर करने की जरूरत होती है. जैसे कि लेंथ ऑफ ए क्लोथ, जैसे कि कपड़े की लंबाई भी, कितना कपड़ा है, कपड़े की लंबाई कितनी है. हाइट, किसी की ऊंचाई, कि किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है या किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का वजन, उनका भार कितना है. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड की मात्रा कितनी है. मान लो किसी बॉटल में तेल है या मिल्क है या जूस है, तो उसका वॉल्यूम, उसकी मात्रा कितनी है, यह नापने की जरूरत पड़ती है. टाइम, टाइम को भी नापने की जरूरत पड़ती है कि आपने एक काम को किया है वो कितने मिनट्स में किया है या कितने घंटों में किया है. एंड टेम्परेचर, और हमें तापमान को भी नापने की जरूरत पड़ती है. ऑल द मेजरमेंट्स आर डन इन डिफरेंट यूनिट्स. ये सभी के सभी मेजरमेंट्स जो हैं, ये अलग अलग यूनिट्स में किए जाते हैं. सबका मापतोल जो है वो अलग तरीके से किया जाता है और अलग यूनिट्स में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी वे, ये वेट नहीं है, ये वे है. देखो टी नहीं लगा हुआ इसके पीछे, ये वर्ब है, ये वर्ब है. हम तोलते हैं, कैसे तोलते हैं, वेजिटेबल्स इन किलोग्राम्स, हम सब्जियों को किलोग्राम्स में तोलते हैं. वी मेजर लिक्विड इन लीटर्स, हम लिक्विड्स को लीटर्स में तोलते हैं, हम लिक्विड्स को लीटर्स में नापते हैं. देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग ईच ऑफ दीस. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं इन सब को मेजर करने के लिए. देखो आप इनमें देख सकते हो आपकी किस चीज को नापा जा रहा है. ये देखो, ये वेजिटेबल्स को तोला जा रहा है. ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्केल है, इसको इलेक्ट्रॉनिक तराजू बोलते हैं. ये टाइम को मेजरमेंट किया जा रहा है. और ये डॉक्टर है, ये बच्चे का फीवर चेक कर रही है, उसका टेम्परेचर को चेक कर रही है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की लंबाई का मापतोल कैसे किया जाता है, लंबाई को कैसे नापा या तोला जाता है. लेंथ टेल्स अस How long a thing is. जो लंबाई है वो हमें ये बताती है कि कोई चीज कितनी लंबी है. ठीक है,
इन अर्ली टाइम्स, पहले के समय में क्या होता था, पीपल यूज्ड देयर बॉडी पार्ट्स एज यूनिट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि लोग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज किया करते थे किसी भी चीज की लंबाई को नापने के लिए। पहले टाइम में, पुराने समय में, लोग अपने बॉडी पार्ट्स को चीजों की लंबाई नापने के लिए यूज किया करते थे। दे यूज्ड हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट एंड स्ट्राइड टू मेजर लेंथ ऑफ एनीथिंग। दे यूज्ड, वो यूज किया करते थे, क्या यूज करते थे, हैंड स्पैन, जिसको कि आप गिट बोलते हो। जिसको कि आप गिट बोलते हो वो हैंड स्पैन को यूज करते थे। फुट स्पैन, पांव के माप को यूज करते थे। क्यूबिट, ये देखो कोहनी से लेकर यहां तक, इसको क्यूबिट बोलते हैं। एंड स्ट्राइड टू मेजर लेंथ ऑफ एनीथिंग, क्या यूज करते थे, हैंड स्पैन, ये देखो हाथ से इस अंगूठे से लेकर के उंगली तक का, जैसे गिट से नापते हैं ना कोई चीज, तो ये हैंड स्पैन का मतलब होता है कि हैंड जितना बड़ा आपका फैल सकता है, हाथ का नाप। और फुट स्पैन का मतलब है कि पैर का नाप जितना है, ठीक है। और क्यूबिट, क्यूबिट का मतलब देखो हाथ की जो सबसे लंबी उंगली है वहां से लेकर के कोहनी तक का। स्ट्राइड, कदम, कदम नापने भी, इतने कदम की चीज हो गई, ठीक है। लेकिन ये फेयर नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ का साइज, पांव का साइज, बाजू का साइज और कदम का साइज भी अलग अलग हो सकता है। कोई लंबे लंबे कदम चलता है, कोई छोटे कदम चलता है, तो ये नाप जो है ना फेयर नहीं होता था। लेकिन पुराने जमाने में लोग इसी तरह से लंबाई को नापा करते थे। टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट वी हैव फिक्स्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग थिंग्स। तो मैंने जैसा कि बताया है कि ये नाप जो है ना, ये एक्यूरेसी नहीं होती थी इसमें, ये ठीक नहीं होते थे। सबका, सबके हाथ का, पांव का या कदम का साइज अलग अलग होता है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट इससे नहीं होती थी। तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए क्या होता है हमारे पास, वी हैव फिक्स्ड यूनिट्स, हमारे पास फिक्स्ड यूनिट्स हैं चीजों को नापने के लिए। मीटर इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, जो मीटर होता है वो एक यूनिट होता है लंबाई को नापने के लिए। किसी भी चीज को लंबाई को नापने के लिए एक यूनिट होता है मीटर। आपने कपड़े की दुकान पर देखा होगा, उनके पास एक लोहे की छड़ होती है, लंबी सी स्टिक होती है लोहे की, मीटर बोलते हैं उसको, और वो थान के अंदर से कपड़ा खोल के उसको नापते हैं और फिर नाप के बेचते हैं कस्टमर्स को। स्मॉलर लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। जो छोटी लंबाई नापनी होती है उसको हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो मीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मीटर इज रिटन एज एम। जो मीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी एब्रीविएशन एम होती है। सेंटीमीटर इज रिटन एज सी एम, सी एम लगा के डॉट लगा देते हैं। And millimeter is written as mm, millimeter. ये meter, centimeter, millimeter. 1 meter में 100 centimeters होते हैं और 1 centimeter में 10 millimeters होते हैं। ये measurements आपको याद होने चाहिए। A ruler measures length in centimeters, millimeters and inches. रूलर, जो आपके पास स्केल होता है जिससे आप लाइन लगाना खींचते हो, उसमें आप लाइन लगाने के लिए स्केल का यूज करते हो, उसको रूलर भी बोलते हैं। तो रूलर में क्या होता है कि रूलर में किस किस की लंबाई नाप सकते हो आप, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में और इंचेस में, राइट। इसमें सेंटीमीटर्स होते हैं और सेंटीमीटर्स के बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ये मिलीमीटर्स की लाइंस होती हैं और दूसरे साइड्स पर ये इंचीज होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ रूलर शोन हेयर इज 15 सेंटीमीटर्स
लॉ। जो ये रूलर है ये 15, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और यहाँ स्टार्टिंग में या तो जीरो लिखा होता है या कुछ नहीं लिखा होता, तो ये 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, राइट? You might have seen a tailor measuring cloth using a measuring tape. आपने टेलर को देखा होगा कपड़ा नापते हुए using a measuring tape. वो एक टेप से, जिसको आप इंच टेप बोलते हो, इंच टेप से कपड़ा नापते हुए देखा होगा। जो कपड़ा बेचने वाला होता है वो मीटर वाली छड़ी का यूज करता है, लेकिन जब टेलर नाप लेता है आपका, आपके कपड़े सिलने के लिए आपका नाप लेता है, तो वो मेजरिंग टेप से लेता है, एक फीता सा होता है जिसको कि इंच टेप भी बोलते हैं या मेजरिंग टेप बोलते हैं। तो टेलर मेजरिंग टेप से कपड़े को नापते हैं और साइज लेते हैं। अ मेजरिंग टेप मेजर्स लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। जो मेजरिंग टेप होती है वो लंबाई को किस चीज से नापते हैं, मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में। वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो बहुत ज्यादा लंबी लंबाइयां होती हैं, बहुत लंबी दूरियां होती हैं, विच आर ट्रेवल्ड बाय कार, बस, स्कूटर और साइकिल, आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स रिटन एज केएम। जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं, जो डिस्टेंस हम कार के द्वारा, बस के द्वारा या स्कूटर के द्वारा ट्रेवल करते हैं या साइकिल के द्वारा ट्रेवल करते हैं, उनको किस चीज में नापा जाता है, उनको किलोमीटर में नापा जाता है। और किलोमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है केएम, और इसका मेजरमेंट क्या है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, कि मात्रा को कैसे नापा जाता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस और कंटेनर इज कॉल्ड वॉल्यूम। स्पेस, वो जगह जो किसी पदार्थ के द्वारा या कंटेनर के अंदर जो जगह होती है, किसी भी चीज के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर जो स्पेस, जो जगह घेरी जाती है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। इसको हिंदी में घनत्व बोलते हैं, वैसे घनत्व, वॉल्यूम, क्वांटिटी, मात्रा। लीटर इज कॉमनली यूज्ड एज द यूनिट टू मेजर वॉल्यूम। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम, लीटर। कॉमनली जो है वो लीटर यूज होता है वॉल्यूम को नापने के लिए। Smaller amounts of liquid are measured in milliliters. अगर छोटी, कम मात्रा में लिक्विड को मेजर करना हो, अगर कम मात्रा में लिक्विड को मेजर करना हो, तो वो milliliters में नापा जाता है। लीटर इज रिटन एज एल एंड milliliter इज रिटन एज एम एल। एल फॉर लीटर, milliliter फॉर एम एल फॉर milliliter। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आप मैथ्स में कर चुके हैं, चैप्टर्स में। वी यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मेजरिंग सिलेंडर्स मार्क्ड इन मिलीलीटर्स एंड लीटर्स टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। हम क्या यूज करते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर का मतलब है कि कोई बर्तन, सिलेंडर के आकार का बर्तन होता है, उसको मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं। उस पर निशान लगे होते हैं मिलीलीटर्स के और लीटर्स के, लिक्विड्स को नापने के लिए। आपने ये बर्तन किसके पास देखे हैं, सबसे पहले तो दूध वाले के पास देखे होंगे। जब दूध वाला आपको दूध माप के देता है, तो उसके पास एक ये एल्यूमिनियम के कप्स होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप में, उसके ऊपर हैंडल लगा होता है, तो उससे वो दूध नाप के आपके घर के बर्तन में डालता है।
अपने इस बर्तन से जब दूध निकालता है तो इस मेजरिंग कप से, मेजरिंग सिलेंडर से नाप के निकालता है। दूसरी बात, आप कभी अगर पेट्रोल भरवाने जाओ तो वहां पर आपने देखा होगा कि पेट्रोल तो वो डाल देते हैं पेट्रोल पंप के पाइप से, अगर दूसरा ऑयल अगर उसमें डालना हो तो वो एक किसी कप से मेजर करके डालते हैं। लिक्विड इज पोर्ड इनटू दीज जार्स एंड वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय रीडिंग द मार्किंग्स ऑन देम। जो लिक्विड है इन जो मेजरिंग वाले जार होते हैं, मेजरिंग वाले कप होते हैं, उनमें पोर कर दिया जाता है, उसमें उड़ेल दिया जाता है और उसकी मात्रा को नाप लिया जाता है। कैसे नापते हैं? जो उनके ऊपर मार्किंग्स, जो उनके ऊपर निशान लगे होते हैं, उसको रीड करके, उसको पढ़कर उसकी मात्रा को नाप लिया जाता है। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा अपने मिल्क मैन को मेजरिंग द मिल्क, दूध नापते हुए, यूजिंग स्पेशल मग लाइक वेसल, मग की तरह का एक बर्तन होता है, जब वो आपको दूध देता है तो उससे आपको दूध नापते हुए आपने उनको देखा होगा। ये देखो, जैसे ये एक सिलेंडर को नुमा एक बर्तन है, इस पर निशान लगे हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये मिलीलीटर्स के साइन लगे हुए हैं। तो अगर इसमें हम डालेंगे कोई भी ऑयल डालेंगे, अगर वो यहां तक आ गया, यहां तक नापा गया वो, तो वो कितना हो गया, 50 मिलीलीटर्स। अगर वो यहां तक आ गया तो 60 मिलीलीटर्स, अगर वो यहां तक आ गया तो 70 मिलीलीटर्स, इधर तक आ गया तो 80 मिलीलीटर्स। ठीक है, इस तरह से इनको मार्किंग्स को, इन मार्किंग्स को रीड करके इनकी क्वांटिटी को नाप लिया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन द टुमारोज लेक्चर्स।